ऊपर है प्रैक्टिस बच्चों की वार्म अप के बाद। आज मारी है 10 स्पिन छोटे बच्चों ने भी, कितने मीटर की, 50 मीटर की, और कर रहे हैं लेफ्ट राइट इसकी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में सारे बच्चे फिट कार करते हुए, राहुल बच्चों को सीनियर के नाते प्रैक्टिस अच्छी कराते हुए, कोचिंग के रूप में बढ़िया दिशा निर्देश राहुल का, और ऐसे लाइन वाइज अगर बच्चे खड़े होते हैं और बढ़िया प्रैक्टिस होती है तो बढ़िया भी लगता है, और इससे बच्चों को डिसिप्लिन भी समझ में आता है और एक पार्टनर प्रैक्टिस मिल जाती है जो कि बहुत ही बढ़िया है। इधर क्या शुरू है, इन्होंने भी वार्म अप किया, 15 स्पिन मारी 50 मीटर की, भाई कम नहीं है, और फुटवर्क कर रहे हैं। आज 4 राउंड फुटवर्क का है, फास्ट और फुटवर्क 1.5 मिनट का फास्ट, जो कि दीपक और अनकेत में फास्ट दिख ही नहीं रहा है, लेकिन इनको प्रोत्साहित करना है फास्ट करके। ओ फास्ट कर छोरे, इधर है दीवांश और विवेक फास्ट करते हुए फुटवर्क, 4 राउंड फुटवर्क करेंगे, उसके बाद फिर करेंगे शैडो बॉक्सिंग 4 राउंड, और उस 4 राउंड के बाद फिर होगा, आज सिर्फ पैड ट्रेनिंग है, पैड करेंगे स्पीड के साथ सारे बच्चे पार्टनर्स के साथ। और चलो भाई शुरू हो गई पैड की ट्रेनिंग, अवंतिका कराती हुई मोनी और ऋचा को, अच्छी प्रैक्टिस मैं हमेशा वीडियो में बनाता हूँ आपको, पंच सेट कराने की सबसे बढ़िया ट्रेनिंग पैड ट्रेनिंग, साथ में रजनीश बताते भी जा रहे हैं कि कैसे आपको पैड ट्रेनिंग करनी है, हर कॉम्बिनेशन के बाद साइड चेंज करनी है, पंचों को स्पीड से मारना है, यही स्लो करोगे तो फाइट में कैसे निकलेगा फास्ट। एक अच्छी बात बच्चों को प्रैक्टिस कराते हुए जरूर सिखाइए, जितना प्रैक्टिस में आप पंच यहाँ मारेंगे, अगर आप यहाँ 100 मारते हैं तो रिंग पे मुश्किल से मुश्किल 10 पंच निकलेंगे भाई साहब, ये वाकई है, इसे आप कभी ट्राई करके देख लीजिएगा। बच्चों को ऐसा सिखाएंगे तो बच्चे और अच्छी स्पीड से प्रैक्टिस करेंगे, पंच को अच्छे से करेंगे और अच्छी पारंगत हासिल करेंगे, ऐसे ही प्रैक्टिस में जुड़े रहिए। तो आज शुक्रवार बढ़िया रनिंग, कम से कम 1500 मीटर, और उसके बाद स्प्रिंट 1550 मीटर की, और फिर शैडो फुटवर्क एंड ये है पैड ट्रेनिंग। अरे इधर मेरे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं, ये आयुष क्योंकि थोड़ा सा सीनियर, देविशा को लेफ्ट राइट की पंचिंग ट्रेनिंग पंच सही कराते हुए, इधर सुमित बताते हुए आदित्य को कि तुम्हारा क्या गलत जाता है क्या सही जाता है, सीनियर्स का बताना वाकई बच्चों को बहुत समझ में आता है, कोच बना बताता है उसके बाद अगर वही चीज़ सीनियर ने बताया तो ये चीज़ मन में बैठ जाती है और लोगों के अंदर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है बच्चों को। ये यस करते हुए इधर हर्षित अपनी ट्रेनिंग करते हुए, हर्षित अभी भी शोल्डर नहीं जा रहा बेटा जल्दबाजी के चक्कर में, आराम से करो, नहीं अभी भी नहीं गया बेटा रुको। मैं ये बताया जो हर्षित के अंदर गलती जा रही थी वो मैं आपको बता रहा हूँ क्या गलत कर रहा है हर्षित, तुम्हारा ये लेफ्ट है ना, मैं बोलता हूँ ये लेफ्ट बिल्कुल गलत, लेफ्ट मारना है तो शोल्डर जाना चाहिए पैर साथ जाना चाहिए, इस तरह कोशिश कीजिए लेफ्ट पंच मारने। ओके तो जुड़े रहिए यूं ही मेरे साथ प्रैक्टिस में और कराते रहिए हम लोगों की तरह अच्छी ट्रेनिंग और अच्छी प्रैक्टिस, रजनीश भी जुटा रहता है सारे बच्चों के साथ।